हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ईशा आप सबके लिए फिर से नया वीडियो लेके आ गई। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है ट्रिपल एस हॉल वीडियो, स्ट्रेट स्टाइल स्टोर हॉल। तो आप लोग देखते रहिए। मैंने एक बार मैंने बूट कलेक्शन एक जोड़ा बूट दिखाया था जो मैंने मिंत्रा या आर्बोनिक ऐसे कोई हॉल में दिखाया था, जो मैंने वो पहली बार लिया था ऐसे स्टोर से। तो ये मेरा सेकेंड टाइम है, तो ठीक ठाक ही आया है, मगर बाद में बताऊंगी क्या खराबी है उसमें। दिखने में तो ठीक ही है, मगर पहनने में इतना कंफर्टेबल नहीं है जितना आप लोग मतलब कि जब आप देखोगे तब आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। जब आपके पास आएगा देखोगे तो पसंद ही आएगा, मगर पहनने में इतना कंफर्टेबल नहीं है। तो मुझे इतना नहीं लगा, बाकियों को जिसने भी यहाँ से शॉपिंग करके मतलब ये खरीद के पहना है चप्पल्स, तो उन लोगों को मालूम होगा, मगर मुझे एक भी इतना भी मतलब ये तीन जोड़ी चप्पल मैंने ली है, मगर एक भी पसंद नहीं आया है मुझे पहनने में, और इतना अच्छा भी नहीं लगा है। तो दिखने में मुझे बहुत अच्छा लगा था, मगर जब आया तब इतना अच्छा भी नहीं है। तो जो मैंने बूट ली थी वो बूट ठीक ठाक थी, मगर ये उससे भी मतलब इतना भी अच्छा नहीं है, उससे भी नीचे। तो ये आया है ऐसा एक बॉक्स में, इसको मैंने खोला है, तो ये देख सकते हो इसमें आया है। तो मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को एक एक करके। पहला है ये, देख सकते हो ये आप लोग, दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मगर पहनने में इतना कंफर्टेबल नहीं है। तो और क्या है, इसको मैंने इसका जो साइज़ है मेरा 36 लिया है मैंने, मगर मैं तो 36 ही पहनती हूँ, मगर ये जो चप्पल है बहुत ही ज़्यादा मतलब पैर घुसाने में इसको ऐसे करके मुझे डालना पड़ता है। ठीक ठाक ही है, देखने में भी ठीक है, मगर पहनने में कंफर्टेबल नहीं है। ये थोड़ा टाइट है, तो आप लोग वहाँ से खरीदे तो आप लोग एक साइज बड़ा मतलब मैंने लिया है 36, तो आप 36 पहनते हो तो 37 ले सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको डालने में प्रॉब्लम होता है और पहनने में भी इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो इसीलिए तो खरीद सकते हो, ठीक ही है देखने में, मगर इतना पहनने में कंफर्टेबल नहीं है। तो कभी पे आप जाओ तो इसको पहन के नहीं जाए तो ही बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। ये भी दिखने में ब्यूटीफुल सा है, मगर पहनने में अनकंफर्टेबल, जैसे पहले वो जोड़ी था चप्पल वैसा ही है। तो इसका भी एक साइज बड़ा लेती तो बेटर रहता मेरे लिए, मगर अभी मैं इसको मतलब एक्सचेंज नहीं कराऊंगी, आने में ही एक महीना लग गया, तो फिर एक्सचेंज कराएंगे तो कितना महीना लगेगा
इसीलिए यही ठीक है, कहीं पे पहनेंगे नहीं तो किसी को मतलब कोई बहन भी जिसका पैर में ये हो जाएगा तो उसको दे देंगे। ये है इसका साइज भी मैंने 36 ही लिया है क्योंकि मैं 36 ही पहनती हूँ, मगर ये छोटा इसमें सेम प्रॉब्लम, इसको भी ऐसे करके डालना पड़ता है। तो आप लोग खरीदे तो एक साइज बड़ा खरीदे, ये इतना भी अनकंफर्टेबल नहीं है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, ये थोड़ा सा उससे ठीक ठाक ही है, मगर जैसा मतलब मैंने देखा था सेम वैसा ही आया है, मगर वो मैंने बोल ही दिया क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये एक दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सा है, मगर पहनने में अनकंफर्टेबल, तो आप कहीं पे पहन के जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को। तो ये है ये देख सकते हो आप लोग, ये बहुत ही प्रीटी सा कलर है इसका, और इसका साइज ये ठीक ठाक है, ये कंफर्टेबल है पहनने में, ये दोनों मतलब दोनों से ये ज़्यादा बेटर है। तो ये मैंने एक बार पहना भी है, इसको पहना है, देख सकते हो मिट्टी लगा हुआ है, एक बार ही पहना है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है ये तो अच्छा लगा, तो मैंने खोल के देखा तो पहन के देखा ये कंफर्टेबल है, तो मैंने इसको पहन लिया था, इसीलिए इसमें मिट्टी लगे हुए हैं। और इसका डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी सा है और कंफर्टेबल भी है, तो ये आप लोग खरीद सकते हो। इसका मतलब वो भी हल्का है ये बहुत ही ज़्यादा, तो ये इसका साइज़ भी 36 है, मगर ये पहनने में कंफर्टेबल है, वो भी 36 था, मगर छोटा, इतना छोटा किसका पेड़ होता है मुझे मालूम नहीं, ये जिसने भी मतलब बनाया है उसको ही मालूम होगा इतना छोटा पेड़, तो ये ठीक आया है, बाकी एक्सेंस तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि आने में ही मतलब अब जिसका भी अब मतलब ऐसा ऐसे स्टोर का हॉल वीडियो देखोगे मालूम होगा कि ये एक महीना तकरीबन एक महीना लगता ही है आने में, तो आप एक्सचेंज कराओगे और कितना दिन में दिन लगेगा और मुझे वो क्या, मैं रुक नहीं सकती इतना दिन, तो इसीलिए यही मेरे लिए ठीक है, इसको ही पहनेंगे जितना दिन पहनना है, और ये कहीं पे दूर कहीं पे घूमने जाने का हो तो इसको बिल्कुल भी आप लोग ना पहने, खरीदे भी तो ना पहने क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होगा आप लोगों को, तो थोड़ा सा ये पहन सकते हो आप लोग। वीडियो में वो बूट दिखा चुकी हूँ आप सबको, फिर भी मैं आज दिखा देती हूँ क्योंकि ये ऐसा स्टोर का हॉल वीडियो है, तो मैं इसको ज़रूर दिखा देती हूँ आप लोगों को फिर से। ये देख सकते हो ये ठीक आया है, ये कंफर्टेबल भी है, ये ठीक ठाक है पहनने में, तो ये ब्राउन कलर में है। इसका जो पेमेंट किया है मैंने था 1398 रुपीज़, इसका जो प्राइस था 1198 रुपीज़, एक्स्ट्रा चार्ज लगा के मैं मतलब 1398 हुआ, तो ये देख सकते हो ये ठीक।
ठीक ठाक है, ये कंफर्टेबल है, ये भी 36 साइज है, मगर ये क्या, ये ठीक आ रहा है मुझे, तो ये ठीक ठाक है। इसमें आप यहाँ से ही डालना पड़ेगा आपको पैर अंदर, तो ये ठीक ठाक है। आज जो मैंने जो जो भी दिखाया आप लोगों को, ये एस एस स्टोर का 999 जो से लगे हुए होते हैं, उससे आप अपने पसंद से 3 पेयर ऑफ फ्लैट्स या हील्स, ऐसे जो भी आपको वहाँ पे दिखे, जो भी आपको पसंद हो है, वो आप लोग ले सकते हो 999 रुपीस में। मगर ये क्या है ना, वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के मैंने पे किया है 1198 रुपीस, ना 1098 रुपीस, तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं यहाँ पे। बूट में भी मैंने बोला है कि वो था 1198 रुपीस का, मगर एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के मैंने पेमेंट किया था 1398 रुपीस, और इसका तीन जोर फ्लैट्स का प्राइस था 999 रुपीस, और मैंने पे किया 1098 रुपीस, तो आप लोग देख सकते हो, तो ठीक ठाक ही है बूट। और जो मैंने रेड कलर का वो पंसु दिखाया था वो भी ठीक ठाक है, मगर वो जो फ्लैट्स थे वो दोनों थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज़्यादा, तो आप लोग वो मतलब दूर कहीं पे घूमने जाना हो तो वो पहन नहीं सकते हो, क्योंकि आपका ध्यान पैर पे ही रहेगा, तो उससे बेटर यहाँ से मतलब खरीद सकते हो, मगर मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगा, तो नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ से शॉपिंग नहीं करने वाली। आप लोगों के लिए चाहूँ तो फिर ऐसे स्टोर से मैं कोई कपड़ा कलेक्शन दिखा सकती हूँ, वहाँ से मैं ट्राई करके देखूँगी कपड़ा कैसा रहा है। चप्पल तो मैंने देख लिया, ठीक ठाक ही है, इतना भी ठीक ठाक भी नहीं है, इतना ठीक ठाक ही है। बूट अच्छा आया है, पम्पसूट अच्छा आया है, फ्लैट्स दोनों ही अनकंफर्टेबल है, तो मैं वहाँ से नहीं खरीदने वाली, क्योंकि उससे बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास, मैं कहीं से भी खरीद सकती हूँ, तो यहाँ से तो बिल्कुल नहीं खरीदूंगी मैं। और हाँ ठीक है, मैं और एस एस स्टोर से कपड़ा कलेक्शन लेके आऊँगी नेक्स्ट, मतलब इसके बाद नहीं, जब मुझे मन करेगा वहाँ से खरीदने का, तो मैं वहाँ से खरीद के ज़रूर ट्राई करूँगी और आप लोगों को भी दिखाएंगे, उसका रिव्यू आप लोगों को ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मतलब क्या मैंने कपड़े ट्राई नहीं किया है, ख़राब आएगा तो वहाँ से शॉपिंग करके क्या फ़ायदा, मेरा भी नुकसान, मतलब खुद का ही पैसा जाएगा ना, तो वहाँ पे आने में भी एक महीना एक्सचेंज कराएंगे, और वो सब कराने में इतना मतलब एक दो महीना तीन महीना तक मैं सब्र नहीं कर सकती, तो इसीलिए। और ये जो मैं पहना है मैंने आज, ये ऑलरेडी मैंने मीशो हॉल में आप लोगों को दिखाया है, वहाँ से आप लोग शॉपिंग कर सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को ऐसा ड्रेसेस मिलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी सा लुक आप लोग देख सकते हो, मैंने आज ये पहना है, तो इसका प्राइस मुझे मालूम नहीं है, इसका ये आप लोग खरीदना चाहो तो मेरा जो मीशो हॉल है वहाँ पे जाके उस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया और इसका कोड जो है वो दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके ज़रूर ले सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे मैंने इसके बारे में कुछ बोला भी है तो कुछ बुरा भी है, तो वहाँ पे आप लोग को देखने मिलेगा, तो इस मतलब इसका लिंक भी मैं इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, तो उसके लिए बाय बाय, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला है उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, सोचेंगे बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे।